प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है वाइड हाइब्रिडाइजेशन एंड प्री ब्रीडिंग, या इसको हिंदी में बोलते हैं दूरस्थ संकरण व पूर्व प्रजनन। तो ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले दूरस्थ संकरण या वाइड हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको किस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है वो एक ही जाति की या एक ही स्पीसीज की दो किस्मों के मध्य या दो वैरायटीज के मध्य करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब संकरण या हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग जातियों के मध्य करवाया जाता है, ठीक है, या अलग अलग स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस करवाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वाइड हाइब्रिडाइजेशन या दूरस्थ संकरण, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, जब दो अलग अलग जातियों के पौधों के मध्य, ठीक है, संकरण कराया जाता है ना, दो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनके जो प्लांट्स हैं उनके बीच में हम लोग क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरस्थ संकरण या वाइड हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो दोनों जातियाँ हैं या दोनों स्पीसीज हैं, ये एक ही वंश से या एक ही जीनस से संबंधित हैं, या फिर ये अलग अलग वंशों से या अलग अलग जेनरा से संबंधित हैं, इस आधार पर फिर वाइड हाइब्रिडाइजेशन को आगे दो कैटेगरीज के अंदर या दो प्रकारों में इसको आगे विभाजित किया गया है। सबसे पहला है अंतराजातीय संकरण, या इसको बोल देते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इंट्रास्पेसिफिक बोल देते हैं इसको, अंतराजातीय संकरण या इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, भी जो एक ही वंश है या एक ही जीनस जो होता है उसकी दो जातियों के मध्य, उसकी दो स्पीसीज लेकर और उनके प्लांट्स के मध्य या पौधों के मध्य हम लोग क्या करवाते हैं, क्रॉस या संकरण करवाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भी अंतराजातीय संकरण। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जीनस ए कोई एक वंश है, जीनस है जिसका नाम क्या है, ए है। इसके अंदर दो जातियां आती हैं, एक का नाम है स्पीसीज वन या जाति वन इसको कह दिया, और दूसरा है स्पीसीज टू या जाति टू। इन दोनों के मध्य अगर क्रॉस हो रहा है, संकरण हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतराजातीय संकरण या इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दूसरा होता है अंतरावंशीय संकरण, या इसको बोल देते हैं इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें दो अलग अलग वंशों के मध्य या दो अलग अलग जेनरा के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। तो यहाँ पे जो जातियाँ या स्पीसीज हम लोग लेंगे वो अलग अलग जीनस या अलग अलग वंशों से संबंधित होंगी, ठीक है। तो जब दो अलग अलग या डिफरेंट वंशों की जातियों के मध्य यानी जेनरा की स्पीसीज के बीच में हम लोग क्या करवाते हैं, क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरावंशीय संकरण या इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, दो जेनरा हमें दे रखे हैं, दो वंश दे रखे हैं, एक का नाम है जीनस ए और दूसरे का नाम है जीनस बी। अब जीनस ए जो है इसकी कोई एक स्पीसीज है जिसका नाम है स्पीसीज वन या जाति वन, इस और दूसरी तरफ जीनस बी जो है इसकी कोई स्पीसीज है जिसका नाम है स्पीसीज थ्री, या इसको जाति थ्री भी बोल देते हैं। तो अगर हम स्पीसीज वन का स्पीसीज थ्री के साथ या जाति वन का जाति थ्री के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतरावंशीय संकरण या इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन। अब जब हम वाइड हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं या दूरस्थ संकरण करवाते हैं तो उसके अंदर कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, या बैरियर्स उत्पन्न होते हैं। ये बैरियर्स या बाधाएं क्या करती हैं, अभी संकरण को सफल होने से रोकती हैं, हाइब्रिडाइजेशन को सक्सेसफुल होने से रोक देती हैं ये। तो ये कौन कौन सी बाधाएं हैं और किस प्रकार से होती हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दूरस्थ संकरण जब हम करवाते हैं या वाइड हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो डिफरेंट आइसोलेशन बैरियर्स होते हैं या विभिन्न पृथक्करण बाधाएं आती हैं। इनके कारण क्या होता है, जो अधिकांश जंगली जातियां हैं या मोस्ट ऑफ द जो वाइल्ड स्पीसीज होती हैं, है ना, उनका क्रॉस जो है या उनका जो संकरण है वो कल्टीवेटेड स्पीसीज के साथ या कृष्य जातियों के साथ नहीं करवाया जा सकता या ये सफल नहीं होता। अगर क्रॉस हो भी जाए तो सफल नहीं होगा या सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है, इन आइसोलेशन बैरियर्स या पृथक्करण बाधाओं की वजह से। अब ये जो आइसोलेशन बैरियर्स हैं या पृथक्करण बाधाएं हैं, इनको दो कैटेगरीज के अंदर आगे विभाजित किया गया है। एक तो है पूर्व जायगोटीय बाधाएं, इसका क्या मतलब है, प्री जायगोटिक बैरियर्स भी बोल देते हैं इनको। इनका मतलब है कि जायगोट बनने से पहले
यानी निषेचन या फर्टिलाइजेशन से पहले अगर कोई बाधा या बैरियर आ रहा है तो उसको बोलेंगे पूर्व जायगोटीय बाधाएं या प्री जायगोटिक बैरियर्स, और दूसरा होता है पश्च जायगोटीय बाधाएं या पोस्ट जायगोटिक बैरियर्स। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया, निषेचन से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, और जायगोट से फिर क्या विकसित होगा, भ्रूण या एम्ब्रियो विकसित होगा। ठीक है, तो अगर जायगोट बनने के बाद कोई बैरियर या बाधा आ रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट जायगोटिक बैरियर या पश्च जायगोटीय बाधा उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी होती हैं वो हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्व जायगोटीय बाधाएं या प्री जायगोटिक बैरियर्स। अब ये जो बैरियर्स हैं वो फर्टिलाइजेशन व जायगोट फॉर्मेशन को रोकती हैं, है ना। ये जो बैरियर्स या बाधाएं होंगी वो क्या करेंगी, निषेचन को रोकेंगी, फर्टिलाइजेशन को रोक देती हैं। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसका मतलब जायगोट का निर्माण जो है या जायगोट का जो फॉर्मेशन है वो भी रुक जाता है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी बाधाएं हैं ये उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे परागकण का अंकुरित न होना, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन है उसका जर्मिनेट न होना। जैसे जो परागकण है या पॉलन ग्रेन है ये कहाँ पर आता है, अभी स्टिग्मा या वर्तिकाग्र के ऊपर आता है। तो अगर स्टिग्मा या वर्तिकाग्र के ऊपर इसका अंकुरण नहीं होता है या जर्मिनेशन नहीं होता है तो इसका मतलब इसके अंदर जो नर केंद्रक हैं, इस परागकण के अंदर जो नर केंद्रक या मेल न्यूक्लियाई हैं वो एग सेल तक या अंड कोशिका तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन या निषेचन होगा ही नहीं। तो सबसे पहली बाधा जो है वो ये है। दूसरी बाधा क्या हो सकती है, परागनाल की धीमी वृद्धि, स्लो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अब जब परागकण या पॉलन ग्रेन स्टिग्मा या वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाता है तो उसका जर्मिनेशन होता है या उसका अंकुरण होता है, और अंकुरण होने से उसमें से एक ट्यूब या नाल निकलती है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, परागनाल या पॉलन ट्यूब बोल देते हैं। अब ये पॉलन ट्यूब अगर बहुत धीमी गति से वृद्धि करती है ना, बहुत स्लो रेट से अगर ग्रोथ करती है तो इसके जो अंदर मेल न्यूक्लियाई या नर केंद्रक उपस्थित हैं इसके अंदर, इस परागनाल या पॉलन ट्यूब के अंदर, वो नहीं पहुंच पाते कहाँ तक, अंड कोशिका या एग सेल तक, तो जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक है, ये दूसरी बैरियर या दूसरी बाधा हो सकती है। तीसरा बैरियर या तीसरी बाधा क्या हो सकती है, अभी जो परागनाल या पॉलन ट्यूब है उसका वर्तिका यानी स्टाइल अंडाशय या बीजांड ओवरी और ओव्यूल में गिरफ्तार हो जाना या अरेस्ट हो जाना। तो पॉलन ट्यूब अरेस्ट हो जाती है, अरेस्ट होने का मतलब ये है कि पॉलन ट्यूब वर्तिका के अंदर मान लीजिए अरेस्ट हो गई, गिरफ्तार हो गई, तो ये आगे वृद्धि नहीं कर पाएगी, इसकी वृद्धि यहीं पर रुक जाती है, या फिर ये अंडाशय ओवरी के अंदर पहुंच जाती है और वहां पर अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, या फिर बीजांड या ओव्यूल के अंदर ये पहुंच जाती है और वहां पर अरेस्ट हो जाती है, तो उसके बाद इसकी वृद्धि या ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से जो इसके अंदर मेल न्यूक्लियस या नर केंद्रक है वो अंड कोशिका या अंडाशय जो एग सेल है उस तक नहीं पहुंच पाते, तो जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होता है। तो ये तीन बैरियर्स या तीन बाधाएं हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन को रोकती हैं जो, और जिससे जायगोट का फॉर्मेशन या निर्माण नहीं होता है, तो इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्री जायगोटिक बैरियर्स या पूर्व जायगोटीय बाधाएं। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं पश्च जायगोटीय बाधाएं, या इसको बोल देते हैं पोस्ट जायगोटिक बैरियर्स। तो ये बैरियर्स क्या करते हैं भी, निषेचन के पश्चात है ना, जब फर्टिलाइजेशन हो गया या निषेचन हो गया उसके पश्चात भ्रूण व पौधे के सामान्य परिवर्तन को रोकती हैं। जो जायगोट है उसका काम क्या होता है अभी, उसके अंदर समसूत्री विभाजन होते हैं, माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, और उससे क्या बनता है, भ्रूण या एम्ब्रियो बनता है, और यही भ्रूण जो है आगे फिर और ज्यादा माइटोटिक डिविजन्स या समसूत्री विभाजन करके एक सामान्य पौधे के अंदर विकसित हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पोस्ट जायगोटिक बैरियर कोई या बाधा जो है वो उपस्थित है तो वो क्या करेगी, निषेचन के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बना है उस जायगोट से भ्रूण के निर्माण को रोकेगी, या फिर मान लीजिए भ्रूण बन गया तो भ्रूण से आगे पौधे के सामान्य परिवर्तन यानी नॉर्मल डेवलपमेंट को रोक देती है या स्टॉप कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो संकरण है या हाइब्रिडाइजेशन है वो असफल हो जाता है या अनसक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी बाधाएं हो सकती हैं, सबसे पहले जैसे
संकर भ्रूण का कमजोर होना, ठीक है, जो हाइब्रिड एम्ब्रियो या संकर भ्रूण उत्पन्न हुआ है ना। संकरण से हमने क्या बनाया है, जायगोट बनाया, जायगोट समसूत्री विभाजन करके जो भ्रूण या एम्ब्रियो बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, संकर भ्रूण या हाइब्रिड एम्ब्रियो बोलेंगे। अब ये भ्रूण या एम्ब्रियो जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है या वीक होता है और ये अपने आप ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है बीज के अंदर ही या सीड के अंदर ही। तो ऐसे बीज को जब हम मृदा के अंदर उगाते हैं या सोयल के अंदर ग्रो करवाते हैं तो उससे नया प्लांट या न्यू प्लांट जो है वो डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन का पर्पज है या उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक बाधा है। इसके अलावा दूसरी जो बाधा है या बैरियर है वो क्या है, भ्रूण के गुण सूत्रों का नष्ट हो जाना, है ना, जो एम्ब्रियो के अंदर क्रोमोसोम्स हैं उनका डिस्ट्रॉय हो जाना। अब एम्ब्रियो या भ्रूण जो होता है उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं या सेल्स होती हैं और हर एक सेल के अंदर डिप्लॉइड या द्विगुणित अवस्था पाई जाती है, यानी कि उसके अंदर गुणसूत्र जो है वो द्विगुणित अवस्था के अंदर क्रोमोसोम डिप्लॉइड कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अगर कोशिकाओं से गुणसूत्रों का विलोप होना शुरू हो जाए, यानी गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्ट होने शुरू हो जाए, विलुप्त होने शुरू हो जाए, तो क्या होगा, जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो धीरे धीरे क्या होता है भाई, पूरे का पूरा जो भ्रूण या एम्ब्रियो है वो नष्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो आगे डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये है दूसरा आइसोलेशन बैरियर या पृथक्करण बाधा। तीसरी आइसोलेशन बैरियर की बात करें अगर अपने, तो ये है संकर पौधे का बंध्य होना। जो हाइब्रिड प्लांट हमने डेवलप किया है वो बंध्य है, बंध्य या स्टेराइल है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि संकर पौधा बन तो गया, विकसित तो हो गया, लेकिन वो जनन नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, है ना। किस प्रकार का जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन नहीं कर सकता। इसका मतलब वो कैसा है, बंध्य है या स्टेराइल है। तो इस प्रकार का बंध्य या स्टेराइल पौधा हमारे काम का नहीं होता। तो इसका मतलब हमारा जो संकरण है या हाइब्रिडाइजेशन जो हमने करवाया है वो असफल हो गया है या अनसक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। तो ये तीन बाधाएं या बैरियर्स हैं जो कि पोस्ट जायगोटिक या पश्च जायगोटिक कहलाती हैं। अब हम लोग पृथक्करण बाधाओं को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, ठीक है, जो आइसोलेशन बैरियर्स हैं उनको हम लोग किस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं या हटा सकते हैं, ताकि हमारा जो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट है या प्रयोग है वो सफल हो सके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कुछ प्रयास जो है वो जरूर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पूर्व जायगोटीय बाधाएं होती हैं या प्री जायगोटिक बैरियर्स जो होते हैं उनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है या दूर किया जा सकता है या रिमूव कर सकते हैं इनको। तो इनको हम लोग निम्न विधियों के द्वारा हटा सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे दी हुई हैं जिनके उपयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन बैरियर्स को या बाधाओं को हटा सकते हैं। जैसे सबसे पहला है परागण से पहले वर्तिका को यांत्रिक रूप से हटाना, है ना, बिफोर पॉलिनेशन। जो स्टाइल है वर्तिका जो है उसको हम मैकेनिकली क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, परागण या पॉलिनेशन अभी हुआ नहीं है, उससे पहले ही हम लोग क्या करते हैं, जो कार्पेल होती है या अंडप होता है उसके अंदर एक भाग होता है वर्तिका या स्टाइल। अब इस वर्तिका को हम लोग क्या करते हैं, ब्लेड की हेल्प से या सीजर या कैंची की सहायता से हम लोग इसको नीचे से काट देते हैं, ठीक है, नीचे से काट दिया। तो इसका मतलब वर्तिका के अंदर अगर जो परागनाल या पोलन ट्यूब रेस्ट हो रही थी, गिरफ्तार हो रही थी, वो नहीं होगी, ठीक है। तो वर्तिका या स्टाइल को हमने मैकेनिकली क्या कर दिया है, यांत्रिक रूप से उसको हटा दिया है, जिसकी वजह से वर्तिका के कारण जो बैरियर या बाधा उत्पन्न हो रही थी वो नहीं होगी, ठीक है। तो पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, कलिका परागण का उपयोग, ठीक है, या इसको बोल देते हैं बड पॉलिनेशन का यूज। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, जब वर्तिकाग्र या हम लोग कह सकते हैं जो स्टिग्मा है वो अभी ग्राही अवस्था में नहीं होती, है ना, वो रिसेप्टिव नहीं होती। ऐसा कब होता है, जब फ्लावर या पुष्प जो है वो बड अवस्था के अंदर होता है, यानी कि कलिका अवस्था के अंदर होता है। अगर हम उसी समय परागण कर दें, है ना, या पॉलिनेशन कर दें, तो आसानी से क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाता है, ठीक है। तो हमें बैरियर या बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो दूसरा तरीका ये हो सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स हैं या वृद्धि हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं भाई, निषेचन या फर्टिलाइजेशन को प्रेरित करते हैं, ठीक है। अगर हम इनका छिड़काव कर देंगे फ्लावर के ऊपर या पुष्प के ऊपर, तो भी हमारा जो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन का हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया है वो सफल हो जाएगी या सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन्स हैं भी, इसके अंदर आते हैं GA3 यानी जिब्रेलिक एसिड, IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, और NAA यानी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो इन तीनों में से कोई भी एक प्लांट हार्मोन या पादप हार्मोन हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आइसोलेशन बैरियर या पृथक्करण बाधा उत्पन्न नहीं होगी। उसके बाद आता है कृत्रिम निषेचन का उपयोग, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन का यूज। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी, जो एग सेल है या अंड कोशिका है उसको हम लोग अंडाशय से या ओवरी से निकाल लेते हैं, है ना। कहाँ पे रखते हैं उसको, कल्चर मीडियम के ऊपर रख लेते हैं, और फिर हम लोग जो पॉलन ग्रेन होता है या परागकण होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, कल्चर मीडियम के ऊपर, उसी कल्चर मीडियम के ऊपर या संवर्धन माध्यम के ऊपर रख लेते हैं। तो फिर उसके बाद जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन है या परागकण है, उसके अंकुरण को या उसके जर्मिनेशन को प्रेरित किया जाता है। उसका जर्मिनेशन होगा, उसमें से जर्म ट्यूब निकलेगी, ठीक है। और जर्म ट्यूब के साथ साथ क्या होगा, उसके अंदर दो नर केंद्रक होंगे या मेल न्यूक्लियाई होंगे। अब इन नर केंद्रकों का हम लोग संलयन या फ्यूजन करवाते हैं कृत्रिम रूप से, किसके साथ, अंड कोशिका या एग सेल के साथ, जिससे क्या हो जाता है, कृत्रिम निषेचन या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जायगोट बन जाता है। अब हम इस जायगोट को वापस से डाल देते हैं कहाँ पर, ओव्यूल या बीजांड के अंदर, ताकि बीज के अंदर भ्रूण का निर्माण हो सके, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है आइसोलेशन बैरियर को ओवरकम करने का या पृथक्करण बाधा को हटाने का। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक और विधि आती है जिसको बोल देते हैं प्रोटोप्लास्ट संलयन का उपयोग। तो इसमें हम क्या करते हैं अभी, कायिक कोशिकाओं का संलयन करवाते हैं, ठीक है। मतलब दो अलग अलग जातियों के मध्य हम लोग संकरण करवाना चाहते हैं, तो हम लोग पहली जाति जो है उसकी एक कायिक कोशिका लेंगे, दूसरी जाति जो है उसकी एक कायिक कोशिका लेंगे, और उनके बीच में संलयन या फ्यूजन करवा देंगे ताकि जायगोट सेल या जायगोट कोशिका बन सके। लेकिन कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति भी होती है ना, सेल वॉल भी होती है। ये जो सेल वॉल है वो फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होने देती, तो इसका मतलब इन कोशिकाओं के अंदर सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, पादप कोशिकाओं से कोशिका भित्ति या सेल वॉल को हटा देते हैं, और सेल वॉल को हटाने के बाद जो पादप कोशिका बचती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो इस प्रकार दो अलग अलग जातियों के प्रोटोप्लास्ट का क्या किया जाता है, फ्यूजन या संलयन किया जाता है, ताकि हमारा जो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो सके या सफल हो सके, ठीक है। तो इससे भी हम लोग आइसोलेशन बैरियर या पृथक्करण बाधा को दूर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड आती है वो आती है संकरण से पहले गुणसूत्रीय द्विगुणन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं अभी, हाइब्रिडाइजेशन करवाने से पहले गुणसूत्रीय द्विगुणन कर लेते हैं। एक रसायन होता है कोल्चिसीन। कोल्चिसीन का काम क्या होता है अभी, कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है उसको दोगुना कर देना। तो हम लोग क्या करते हैं, कोल्चिसीन रसायन का फ्लावर के ऊपर या पुष्प के ऊपर छिड़काव करते हैं, जिससे उसके अंदर जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या डबल हो जाती है या द्विगुणित हो जाती है। उसके बाद फिर हम लोग संकरण करवाते हैं या हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। तो इस प्रकार के संकरण से या हाइब्रिडाइजेशन से जो हाइब्रिड प्लांट या संकर पौधा हमें प्राप्त होगा वो कैसा होगा, नर, वो उर्वर होगा यानी कि फर्टाइल होगा। इसका मतलब वो जनन करने में सक्षम होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन वो कर सकेगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रयोग है वो सफल हो जाएगा। इसके अलावा एक और तकनीक है ब्रिजिंग जाति तकनीक का उपयोग, या ब्रिजिंग स्पीसीज टेक्निक भी बोल देते हैं इसको, अपने आगे भी पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है भी, हम लोग एक मिडल स्पीसीज या मध्यम जाति का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो जातियां हैं, जाति वन और जाति टू। अब जाति वन का जाति टू के साथ क्रॉस नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जाति वन का क्रॉस मध्यम जाति के साथ हो सकता है, और मध्यम जाति का क्रॉस जाति टू के साथ हो सकता है। तो हम लोग क्या करवाते हैं अभी, इस ब्रिजिंग जाति या मध्यम जाति का क्रॉस करवाते हैं पहले स्पीसीज वन के साथ, तो उससे जो भी संकर या हाइब्रिड प्राप्त होगा हमें उसका क्रॉस करवाएंगे फिर जाति टू के साथ।
इसको क्या बोल देते हैं, ब्रिजिंग स्पीसीज टेक्निक या ब्रिजिंग जाति तकनीक। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसको अपने आगे डिटेल में भी करने वाले हैं। तो इससे भी हम लोग आइसोलेशन बैरियर या पृथक्करण बाधा को दूर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स होते हैं या पश्च जाइगोटीय बाधाएं होती हैं, उनको किस प्रकार से हम लोग रिमूव कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ मेथड्स या विधियों का उपयोग जो है वो किया जा सकता है। जैसे सबसे पहली है एम्फी डिप्लॉयडी उत्पन्न करने के लिए गुणसूत्र द्विगुणन, यानी एम्फी डिप्लॉयडी हम लोग जनरेट करेंगे और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रोमोसोम डबलिंग करेंगे। तो इसके लिए भी उसी रसायन का उपयोग किया जाता है जो मैंने अभी आपको बताया, कोल्चिसिन। तो कोल्चिसिन का हम लोग छिड़काव कर देंगे संकरण से पहले, ठीक है, या संकरण के बाद। यहाँ पर संकरण के बाद करते हैं क्योंकि पश्च जाइगोटिक है, पोस्ट जाइगोटिक है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन पहले ही हो जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, उसके बाद जो हमारे पास एम्ब्रियो या भ्रूण आएगा, भ्रूण प्राप्त होगा हमें, उस भ्रूण के ऊपर हम लोग कोल्चिसिन का छिड़काव करते हैं या उसका उसकी स्प्रे करते हैं, जिससे क्या होगा, अभी क्रोमोसोम डबलिंग हो जाएगी, गुणसूत्रीय द्विगुणन हो जाएगा और इस भ्रूण से या इस एम्ब्रियो से जो प्लांट डेवलप होगा या पौधा विकसित होगा वो कैसा होगा, उर्वर या फर्टाइल होगा। इसका मतलब वो लैंगिक जनन कर सकेगा। तो उस प्रकार से हम लोग आइसोलेशन बैरियर या पृथक्करण बाधा को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आता है भी एक और मेथड है प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस भी कह सकते हैं। तो अगर हम कृष्य जाति के साथ या कल्टीवेटेड स्पीसीज के साथ बार बार हम लोग बैक क्रॉस करवाते हैं तो उसके अंदर जो बंधेता या जो स्टेरिलिटी का लक्षण है या करेक्टर है वो कम होता जाएगा और जो फर्टिलिटी या उर्वरता का लक्षण है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम लोग प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस करवाते जाएंगे। तो इसके उपयोग से भी हम लोग पृथक्करण बाधा या आइसोलेशन बैरियर को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा भ्रूण बचाव या इसको एम्ब्रियो रेस्क्यू भी बोल देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी बीज के अंदर जो कमजोर भ्रूण होता है या सीड के अंदर जो वीक एम्ब्रियो होता है उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं या उसको पृथक कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उस भ्रूण को, उस कमजोर भ्रूण को या वीक एम्ब्रियो को कृत्रिम रूप से संवर्धित करते हैं बायोटेक लैब के अंदर, ठीक है, और उसको संवर्धित करके उससे क्या बनाते हैं, अभी संकर पौधा बनाते हैं। और फिर संकर पौधे को हम लोग कहाँ पे डालते हैं, ग्रीन हाउस के अंदर डालते हैं, फिर उस ग्रीन हाउस से कुछ टाइम के बाद निकाल के उसको फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग उसको आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से उस पौधे को विकसित करते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, भ्रूण बचाव या एम्ब्रियो रेस्क्यू बोल देते हैं। इसके अलावा उत्तक संवर्धन तकनीक यानी कि जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ की जाती है, उसके उपयोग से भी हम लोग पोस्ट जाइगोटिक बैरियर या पश्च जाइगोटीय बाधा को दूर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है अभी कि हम लोग आइसोलेशन बैरियर्स या पृथक्करण बाधाओं को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, पृथक्करण बाधाएं कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी। अब हम लोग करेंगे कि हम लोग जो वाइट हाइब्रिडाइजेशन या दूरस्थ संकरण करवाते हैं उसके लिए कौन कौन सी मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियों का उपयोग कर सकते हैं। तो मेनली चार ब्रीडिंग मेथड्स हैं, चार मुख्य प्रजनन विधियां हैं जिनका उपयोग हम लोग कर सकते हैं वाइट हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो सबसे पहली है प्रतीप क्रॉस प्रजनन, है ना, या इसको बोल देते हैं बैक क्रॉस ब्रीडिंग। दूसरा है एम्फी डिप्लॉयडी, इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही बोलेंगे एम्फी डिप्लॉयडी। तीसरी है ब्रिजिंग जाति तकनीक, या इसको बोल देते हैं ब्रिजिंग स्पीसीज टेक्निक। और चौथी मेथड इसके अंदर है एलियन एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, यानी एलियन एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो ये चार मेथड्स हैं या विधियां हैं, प्रजनन विधियां, जिनका उपयोग हम लोग वाइट हाइब्रिडाइजेशन या दूरस्थ संकरण के लिए करते हैं। तो इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रतीप क्रॉस प्रजनन, या इसको बैक क्रॉस ब्रीडिंग भी बोल देते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें हम लोग क्या करवाएंगे, प्रतीप संकरण करवाएंगे, यानी कि बैक क्रॉस करवाएंगे बार बार। तो इसमें हम क्या करते हैं भाई, एक ही वंश की भिन्न गुणता स्तर रखने वाली जंगली जाति। तो इस प्रकार की विधि के अंदर हम लोग जंगली जाति का क्रॉस करवाते हैं किसके साथ भाई, कृष्य जाति के साथ, है ना, एक वाइल्ड स्पीसीज है उसका क्रॉस हम लोग कल्टीवेटेड स्पीसीज के साथ करवाते हैं,
तो दो अलग अलग जातियों के मध्य हम लोग क्या करवा रहे हैं, क्रॉस या संकरण करवा रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, अभी वंश कैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, है ना, एक ही जीनस होना चाहिए, उसकी दो अलग अलग स्पीसीज होनी चाहिए, और साथ में जो गुणिता स्तर है यानी कि प्लॉयडी लेवल जो है वो भिन्न होना चाहिए, यानी कि अलग होना चाहिए, यानी कि जितने गुणसूत्र संख्या जंगली जाति के अंदर है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने गुणसूत्र संख्या कृष्य जाति या कल्टिवेटेड स्पीसीज में है, जंगली जाति के अंदर या वाइल्ड स्पीसीज के अंदर उससे अलग संख्या होनी चाहिए गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स की, ठीक है। तो ये होता है भिन्न गुणिता स्तर या डिफरेंट प्लॉयडी लेवल। तो इनके बीच में हम लोग क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो इस संकरण से या क्रॉस से जो हमें संकर या हाइब्रिड पौधा प्राप्त होता है वो कैसा होता है, भाई बंध्य होता है या स्टेराइल होता है। अब हम क्या करते हैं भाई, इस स्टेराइल या बंध्य संकर को एक रसायन से उपचारित करते हैं जिसका नाम क्या है भाई, कोल्चिसीन। कोल्चिसीन करता क्या है भाई, गुणसूत्रों का द्विगुणन करता है, क्रोमोसोम्स की डबलिंग करता है। तो जैसे ही हम कोल्चिसीन से उपचारित करते हैं तो गुणसूत्रों का क्या हो जाता है, द्विगुणन हो जाता है, है ना, क्रोमोसोम्स की डबलिंग हो जाती है और उससे एक एम्फी डिप्लॉयड विकसित होता है, ठीक है। एम्फी डिप्लॉयड का मतलब क्या है भाई, एम्फी का मतलब होता है दोनों, है ना, दोनों का मतलब दोनों जातियों से है, एम्फी का मतलब दोनों जातियों से, डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित, तो दोनों जातियों के जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या द्विगुणित हो जाती है। इस प्रकार का बना हुआ जो पौधा है वो क्या कहलाता है, एम्फी डिप्लॉयड कहलाता है। तो ये एम्फी डिप्लॉयड कैसा होगा भी, फर्टाइल या उर्वर होगा, यानी कि ये लैंगिक जनन करने में समर्थ होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं अभी हम लोग, अब ये जो उर्वर एम्फी डिप्लॉयड यानी जो फर्टाइल एम्फी डिप्लॉयड विकसित हुआ है उसका हम लोग बार बार क्रॉस करवाते हैं या संकरण करवाते हैं कई पीढ़ियों तक या कई जनरेशन तक, किसके साथ, कल्टीवेटेड स्पीसीज के साथ या कृष्य जाति के साथ। ऐसा करने से क्या होगा भी, एक प्रतिरोधी वंशक्रम विकसित होगा, एक रेजिस्टेंट लाइन जो है वो डेवलप हो जाएगी या विकसित हो जाएगी। तो ये है भी पहली मेथड, इसके अंदर हम लोग एक इसको एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन के ऊपर, तो इसमें हम क्या करते हैं अभी, वाइल्ड स्पीसीज या जो जंगली जाति है उसका क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, कल्टीवेटेड स्पीसीज या कृष्य जाति के साथ। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक संकर पौधा या हाइब्रिड प्लांट प्राप्त होता है जो कि कैसा होता है, स्टेराइल या बंध्य होता है। अब इसको हम लोग कोल्चिसीन से उपचारित करते हैं जिससे हमें क्या प्राप्त होता है अभी, एम्फी डिप्लॉयड प्राप्त होता है, और ये एम्फी डिप्लॉयड कैसा होगा अभी, फर्टाइल होगा या उर्वर होगा। अब इस फर्टाइल एम्फी डिप्लॉयड का क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, कृष्य जाति के साथ या कल्टीवेटेड स्पीसीज के साथ, इसको क्या बोल देते हैं, बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण। तो इस प्रतीप संकरण से जो हमें पौधा प्राप्त होगा या जनरेशन प्राप्त होगी उसको क्या बोलेंगे, बीसी वन बोलेंगे। बीसी का मतलब यहाँ पे बैक क्रॉस है, तो बीसी वन यानी बैक क्रॉस वन। तो ये पहली जनरेशन है बैक क्रॉस के बाद जो हमें प्राप्त हुई है, या जो प्रतीप संकरण के बाद पहली पीढ़ी हमें प्राप्त हुई है। इसका फिर से हम लोग क्रॉस करवाएंगे कृष्य जाति या कल्टीवेटेड स्पीसीज के साथ, तो क्या प्राप्त होगा हमें, दूसरी बैक क्रॉस पीढ़ी या प्रतीप संकरण पीढ़ी या बैक क्रॉस जनरेशन प्राप्त होगी, उसको बीसी टू बोल देंगे। तो इस तरह से हमें बार बार कृष्य जाति या कल्टीवेटेड स्पीसीज के साथ बैक क्रॉस करवाते जाना है, प्रतीप संकरण कराते रहना है, और कहाँ तक जाना है हमें, बीसी टेन तक जाना है, है ना, बैक क्रॉस टेन तक या दसवीं पीढ़ी तक या टेंथ जनरेशन तक हमें जाना है। तो ये जो टेंथ जनरेशन होगी या दसवीं पीढ़ी होगी ये कैसी होगी भी, रेजिस्टेंट लाइन होगी या प्रतिरोधी वंशक्रम होगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतीप क्रॉस प्रजनन जो है उसके द्वारा वाइड हाइब्रिडाइजेशन या दूरस्थ संकरण करवा सकते हैं भाई। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल या उदाहरण से समझते हैं। जो कृष्य तंबाकू होता है ना, टोबैको या तंबाकू का पौधा आपको पता होगा भी, है ना, कृष्य तंबाकू या कल्टीवेटेड जो टोबैको होता है वो एक उदाहरण है या एग्जाम्पल है किसका, बैक क्रॉस ब्रीडिंग का या प्रतीप क्रॉस प्रजनन का। तो हम लोग क्या करते हैं भी, मोज़ेक रोधिता, है ना, मोज़ेक रोधिता, मोज़ेक क्या होता है भी, एक वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है जो कि तंबाकू के अंदर
बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना, मुजेक बोल देते हैं इसको। तो मुजेक रोधिता का जो गुण है या जीन है ये कहाँ पर पाया जाता है, तंबाकू की जंगली जाति में, वाइल्ड स्पीसीज के अंदर पाया जाता है। तो इस वाइल्ड स्पीसीज से या जंगली जाति से अगर हम मोज़ेक रोधिता के गुण को या इस जीन को स्थानांतरित करना चाहते हैं किसके अंदर, कृष्य जाति के अंदर या कल्टीवेटेड स्पीसीज के अंदर, तो हम लोग क्या करवाते हैं, प्रतीप क्रॉस प्रजनन या बैक क्रॉस ब्रीडिंग विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप निकोटियाना, यहाँ पे एन का मतलब क्या है, निकोटियाना, और ग्लूटिनोसा, निकोटियाना ग्लूटिनोसा एक जंगली जाति है, वाइल्ड स्पीसीज है, किसकी, तंबाकू या टोबैको की। इसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 12, 12 गुणसूत्र होते हैं इसके अंदर। अब इसका क्रॉस करवाया जाता है किसके साथ, कृष्य जाति के साथ या कल्टीवेटेड स्पीसीज के साथ, और तंबाकू की जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है उसका नाम क्या है, निकोटियाना टैबेकम। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर्स कितने हैं अभी, 2n इज इक्वल टू 48, तो 48 गुणसूत्र हैं इसके अंदर। तो दोनों का प्लॉयडी लेवल या गुणिता स्तर अलग अलग है, तो इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया गया। क्रॉस करवाने के बाद हमें संकर पौधा प्राप्त होगा। अब उस संकर पौधे का हम लोग बार बार क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, निकोटियाना टैबेकम के साथ, यानी कृष्य तंबाकू जाति के साथ, ठीक है। और दसवीं जो जनरेशन होगी या टेंथ जो जनरेशन होगी वो कैसी होगी, मोज़ेक रोधी होगी, ठीक है। तो ये है भी कंप्लीट फर्स्ट मैथड वाइड हाइब्रिडाइजेशन या दूरस्थ संकरण की। उसके बाद दूसरी मैथड हम लोग देखेंगे, दूसरी विधि जो है वो है एम्फी डिप्लॉयड, है ना। जैसा कि मैं इसके नाम से पता चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एम्फी का मतलब होता है दोनों, यहाँ पे दोनों का मतलब दोनों जातियाँ हैं, यानी जिन दो जातियों के मध्य हम लोग संकरण करवा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं उन दोनों जातियों से, ठीक है। डिप्लॉयडी का मतलब द्विगुणिता, ठीक है, इसका मतलब दोनों जातियों के जो गुण सूत्र हैं अगर द्विगुणित हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं, तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, एम्फी डिप्लॉयडी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी अलग अलग वंशों, यानी जो जेनरा है, जो वंश है, वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। इससे पहले वाली जो मेथड या विधि हमने की है उसमें एक ही जाति, एक ही वंश की दो जातियों के मध्य क्रॉस करवा रहे थे, यहाँ पर देखो अलग अलग वंशों की, अलग अलग जेनरा की जातियों के मध्य या स्पीसीज के मध्य हम लोग क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग वंशों की या डिफरेंट जेनरा की कृष्य जातियों के मध्य संकरण कराया जाता है या कल्टीवेटेड स्पीसीज के बीच में हम लोग क्रॉस करवाते हैं। तो अब यहाँ पे वाइल्ड स्पीसीज नहीं है, यहाँ पे कोई भी जंगली जाति आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ कृष्य जाति या कल्टीवेटेड स्पीसीज होगी। लेकिन खास बात क्या है कि इनकी जो प्लॉयडी लेवल है या गुणिता स्तर है वो कैसा होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्रॉस करवा दिया, लेकिन जो हमें संकर पौधा या हाइब्रिड प्लांट प्राप्त होगा वो कैसा होगा भाई, बंध्या होगा या स्टेराइल होगा। इसका मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन नहीं कर सकता। तो फिर हम क्या करेंगे भी, इसको एक रसायन से या एक केमिकल से ट्रीट करवाएंगे, और उस केमिकल का नाम क्या है, कोल्चिसिन। तो कोल्चिसिन क्या करेगा, गुणसूत्रों का द्विगुणन कर देगा। कोल्चिसिन के उपचार से गुणसूत्रों का क्या हो जाता है, द्विगुणन हो जाता है, यानी क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, और क्रोमोसोम डबल होने से एक एम्फी डिप्लॉयड पौधा डेवलप होता है या विकसित होता है। और ये एम्फी डिप्लॉयड कैसा होगा, फिर उर्वर या फर्टाइल होता है। इसका मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन करने में सक्षम होता है, ठीक है। तो ये है एम्फी डिप्लॉयड। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, एक कल्टीवेटेड स्पीसीज या कृष्य जाति है वन, है ना, कृष्य जाति वन का क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, कल्टीवेटेड स्पीसीज टू यानी कृष्य जाति टू के साथ। अब ये जो कल्टीवेटेड स्पीसीज वन है ये किसी एक वंश या एक जीनस की है, और ये जो कल्टीवेटेड स्पीसीज टू है ये किसी दूसरे वंश या दूसरे जीनस की है, ठीक है। इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने से हमें एक हाइब्रिड पौधा या हाइब्रिड प्लांट या संकर पौधा प्राप्त होगा, और कैसा होगा, ये बंध्या या स्टेराइल होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको कोल्चिसिन रसायन से उपचारित करते हैं ताकि गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो सके या डबल हो सके, और इससे होगा क्या, एक एम्फी डिप्लॉयड प्राप्त होगा। और ये एम्फी डिप्लॉयड कैसा होता है भी, फर्टाइल या उर्वर होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन ये कर सकता है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे या उदाहरण करेंगे कि हम लोग एम्फी डिप्लॉयडी के द्वारा कौन कौन सी कुछ फसलों के अंदर कौन कौन से जो वाइड हाइब्रिडाइजेशन से या दूरस्थ संकरण से जो संकर पौधे हैं वो विकसित किए गए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें आता है ऑक्टाप्लॉयड ट्रिटिकेल, ठीक है, अष्टगुणित। ऑक्टाप्लॉयड का मतलब अष्टगुणित। ट्रिटिकेल नाम है किसका, गेहूं का या वीट का। नॉर्मली जो वीट हम लोग खाते हैं या गेहूं हम लोग खाते हैं वो कैसा होता है, भाई हेक्साप्लॉयड होता है, ठीक है, और उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 42 होते हैं, 42, ठीक है। तो ट्रिटिकेल जो है वो हम लोग किस प्रकार से विकसित करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा भी यहाँ पे एक जाति है ट्रिटिकम एस्टाइवम, जो कि गेहूं की कृष्य जाति है या वीट की कल्टीवेटेड स्पीसीज है। इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या देखो कितनी है, 2n = 6x = कितने हैं, 42 या 42। इसका मतलब ये हेक्साप्लॉयड है और इसमें 42 गुणसूत्र है। इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए कैपिटल ए, फिर कैपिटल बी और उसके बाद है कैपिटल डी। तो इसका मतलब तीन अलग अलग प्रकार के जीनोम इस ट्रिटिकम एस्टाइवम के अंदर उपस्थित हैं। इसका क्रॉस हम लोग करवा रहे हैं किसके साथ, राई के साथ, है ना। जो राई का प्लांट है, राई का बॉटनिकल नेम क्या होता है, सिकेल सीरियल। तो सिकेल सीरियल राई की कल्टीवेटेड स्पीसीज है या कृष्य जाति है। इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अभी 14। तो 2n = 2x = 14। तो ये डिप्लॉइड या द्विगुणित संख्या है गुणसूत्रों की। इसके अंदर केवल एक ही प्रकार का जीनोम होता है, कैपिटल आर से उसको हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया, संकरण करवाया और संकरण से हमें एक ऑक्टाप्लॉइड या अष्टगुणित संकर प्राप्त होता है, जिसको क्या बोल देते हैं, ट्रिटिकेल बोल देते हैं। तो 2n = 8x = क्या है, 56, 56 क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर। देखो 42 क्रोमोसोम्स तो यहाँ से आ गए, ठीक है, और 14 क्रोमोसोम्स यहाँ से आ गए। टोटल कितने हो गए, 56 क्रोमोसोम्स हो गए, 56 क्रोमोसोम्स। 6x यहाँ से आ गया, 2x यहाँ से आया, तो टोटल कितने हो गए, 8x हो गए। तो अब इसका जो जीन प्रारूप है या जीनोटाइप है वो क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइप ट्रिटिकम एस्टाइवम का जीनोटाइप और सिकेल सीरियल जो है इसका जीनोटाइप एक ही पौधे के अंदर या एक ही प्लांट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा ट्रिटिकेल का, कैपिटल ए कैपिटल ए, फिर कैपिटल बी, फिर कैपिटल डी और फिर कैपिटल आर, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रिटिकेल में 4 अलग अलग टाइप के जीनोम जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर आता है हेक्साप्लॉयड ट्रिटिकेल, ठीक है ये भी ट्रिटिकेल, गेहूं का ही एक रूप है, वीट का ही एक टाइप है, लेकिन ये कैसा है, हेक्साप्लॉयड है या षटगुणित है। तो इसको हम लोग कैसे विकसित करेंगे, हम लोग एक टेट्राप्लॉयड जो स्पीसीज है या चतुष गुणित जो जाति है उसका क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, द्विगुणित या डिप्लॉयड जाति के साथ, और उससे हमें हेक्साप्लॉयड या षटगुणित जाति प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम क्या है, अभी गेहूं की एक स्पीसीज है, कल्टीवेटेड स्पीसीज है, कृषि जाति है, ये भी जंगली नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी है, अभी 2n = 4x = 28। 4x आ गया, इसका मतलब ये क्या है, टेट्राप्लॉइड है, चतुष्गुणित है। गुणसूत्र संख्या कितनी है इसके अंदर, 28 है। इसका जीनोटाइप देखो क्या है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी। इसका मतलब इसमें 2 अलग अलग प्रकार के जो जीनोम हैं वो उपस्थित हैं। इसका क्रॉस हमने करवाया राई की कल्टीवेटेड स्पीसीज या कृष्य जाति के साथ, जिसका नाम क्या है, सिकेल सीरियल। गुणसूत्र संख्या मैंने बताई दिया था आपको, 2n = 2x = 14। 14 क्रोमोसोम्स हैं, डिप्लॉइड नंबर है और जीनोम इसका क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर। तो इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया और इससे हमें एक संकर विकसित किया जिसका नाम क्या था, ट्रिटिकेल, लेकिन ये हेक्साप्लॉइड है। देखो 4x यहाँ से और 2x यहाँ से, तो टोटल कितने हो गए, 6x हो गए, यहाँ पे 6x आ गया। ट्रिटिकम ड्यूरम में देखो कितने क्रोमोसोम्स हैं, 28। सिकेल सीरियल में कितने हैं, 14। तो 28 and 14, 28 और 14 दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे, 42 हो गए। अब जीनोम की बात करते हैं, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी ये दोनों के दोनों टाइप के जो जीनोम हैं वो ट्रिटिकम ड्यूरम से कहाँ आएंगे, ट्रिटिकेल के अंदर आ जाएंगे। और कैपिटल आर जो जीनोम है ये
सिकेल सीरियल से कहाँ आएगा, क्रिटिकेल के अंदर आ जाएगा। तो इसका जो जीनोटाइप है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल आर कैपिटल आर। इसका मतलब जो हेक्साप्लॉइड टेटिकेल है उसमें तीन प्रकार के जीनोम उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है फेस्टुलोलियम। तो फेस्टुलोलियम जो है वो भी वो कैसा होता है, भी टेट्राप्लॉइड होता है, चतुष्गुणित होता है। इसको कैसे विकसित किया जाता है, एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं इटालियन राई ग्रास। इटालियन राई ग्रास भी पोएसी फैमिली का मेंबर है। तो इटालियन राई ग्रास के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, अभी 14 हैं। ये डिप्लॉइड नंबर है, 2x दे रखा है यहाँ पे। तो द्विगुणित संख्या कितनी है, 14 है। इसका क्रॉस करवाया जाता है मिडो फेस्क्यू के साथ। ये भी एक प्लांट है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम है, 14 और ये भी डिप्लॉइड है, 2x, ठीक है। तो इन दोनों का हमने क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, और इससे एक हमने फर्टाइल एम्फी डिप्लॉइड या उर्वर एम्फी डिप्लॉइड विकसित किया, जिसका नाम क्या पड़ा, फेस्टुलोलियम। और ये फेस्टुलोलियम कैसा है, अभी टेट्राप्लॉइड है। देखो 2x यहाँ से आया और 2x यहाँ से आ गया, टोटल कितने हो गए, 4x हो गए। 14 क्रोमोसोम्स यहाँ से आएंगे, 14 यहाँ से आएंगे, टोटल कितने हो गए, 28 या 28 क्रोमोसोम्स। तो ये भी एक एग्जाम्पल है अभी। इसके अलावा एक और फेमस एग्जाम्पल है जो आपने सुना होगा, रेफेनोब्रेसिका। रेफेनोब्रेसिका जो है ये भी एक वाइड हाइब्रिडाइजेशन या दूरस्थ संकरण का एग्जाम्पल है। इसमें हम क्या करते हैं, अभी एक प्लांट होता है रेफिनस स्टाइवस। रेफिनस स्टाइवस किसका नाम है, अभी रेडिश का नाम है, मूली का नाम है, ठीक है। मूली खाते हो आप सभी, तो रेडिश या मूली का रेफिनस स्टाइवस बॉटनिकल नेम है। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 18 होते हैं, 18 होते हैं। तो ये जो 18 नंबर है, क्रोमोसोम नंबर जो है, ये डिप्लॉयड है, 2x दे रखा है यहाँ पे। अब इसका क्रॉस हम लोग करवाते हैं किसके साथ, सरसों की, सरसों नहीं कह सकते, गोभी के साथ, है ना, कैबेज, कैबेज के साथ, गोभी के साथ। इसका नाम क्या होता है, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ठीक है। इसको कैबेज भी बोल देते हैं या इसको बंद गोभी भी बोल देते हैं, ठीक है, या पत्ता गोभी भी बोल देते हैं कैबेज को। तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र संख्या कितने हैं, अभी 20 है, 20 है, यहाँ पे 2x दे रखा है। तो इसका मतलब ये भी डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर्स हैं, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या दोनों में अलग अलग है। तो इनके बीच में हमने क्रॉस करवाया और एक फर्टाइल एम्फी डिप्लॉइड डेवलप किया, जिसको क्या बोलते हैं, रेफेनोब्रेसिका बोलते हैं, ठीक है। अब 2x यहाँ से आएगा, रेडिश से आएगा, और 2x यहाँ से कैबेज से आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4x हो गया। 18 क्रोमोसोम्स रेडिश से आएंगे, 20 क्रोमोसोम्स कैबेज से आएंगे, टोटल कितने हो गए, 38, 38 क्रोमोसोम्स हो गए। अब ध्यान से देखोगे, जो रेडिश होता है उसको, उसका, उसकी जो रूट होती है ना, उसकी जो मूली होती है, या जिसको हम मूली या रेडिश बोल देते हैं, वो उसकी रूट या मूल होती है। तो वो कहाँ से मिलती है, हमें जमीन से मिलती है, यानी कि रूट सिस्टम जो होता है या मूल तंत्र जो होता है उसका, वो रेडिश या मूली में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो खाने योग्य भाग क्या है उसका, रूट या मूल सिस्टम है। जबकि जो कैबेज होती है, यानी कि जो बंद गोभी होती है, उसके अंदर खाने योग्य भाग क्या है उसका, फ्लावर है, उसका पुष्प जो होता है, यानी कि जो अपर पार्ट होता है उसका वायवीय भाग होता है। तो जब हम इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो हमें एक पौधा प्राप्त होता है, रेफेनोब्रेसिका। तो रेफेनोब्रेसिका की खास बात क्या है अभी, इसके ऊपरी भाग से हमें गोभी प्राप्त होगी, बंद गोभी, और जो इसका रूट सिस्टम होगा नीचे वाला मूल तंत्र होगा, उससे हमें मूली यानी कि रेडिश प्राप्त होगी। तो दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम लोग एक ही प्लांट से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये खास बात होती है इसकी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका, इसलिए हम लोग इसको उगाते नहीं हैं। तीसरी जो मेथड आती है या विधि आती है वो है ब्रिजिंग जाति तकनीक, या इसको ब्रिजिंग स्पीसीज टेक्निक भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ब्रिजिंग जाति या ब्रिजिंग स्पीसीज क्या होती है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो होता क्या है, अभी दो जातियों के मध्य या दो स्पीसीज के मध्य हम लोग क्रॉस करवाना चाहते हैं या संकरण करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके बीच में प्रत्यक्ष संकरण या डायरेक्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कराना संभव नहीं है, या कराना बहुत ही कठिन है या हार्ड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, भी एक तीसरी जाति या थर्ड स्पीसीज का यूज करते हैं या उपयोग करते हैं,
और इसी थर्ड स्पीसीज या तीसरी जाति का नाम क्या है भी, ब्रिजिंग जाति है या ब्रिजिंग स्पीसीज है। तो हम लोग किस प्रकार से ब्रिजिंग स्पीसीज का उपयोग करते हैं इस विधि के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे भी इस टेक्निक के अंदर या इस तकनीक के अंदर हम लोग कुछ स्टेप्स यूज करेंगे। उसके अंदर निम्न चरण या निम्न स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है भी, जो जंगली जाति है या वाइल्ड स्पीसीज है उसका हम लोग क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, ब्रिजिंग स्पीसीज या ब्रिजिंग जाति के साथ। और इससे हम लोग क्या विकसित करेंगे, एक संकर पौधा या हाइब्रिड प्लांट डेवलप कर लेंगे। अब ये जो हाइब्रिड प्लांट या संकर पौधा विकसित हुआ है इसका हम लोग क्रॉस करवाएंगे दूसरे स्टेप के अंदर कृष्य जाति के साथ यानी कल्टीवेटेड स्पीसीज के साथ, ताकि हमें जो वांछित संकर है यानी जो डिजायर्ड हाइब्रिड प्लांट है वो हमें प्राप्त हो सके। तो ये दो मेन स्टेप्स होते हैं इस टेक्निक के अंदर। तो इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं अभी। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, एक वाइल्ड स्पीसीज है जंगली जाति है उसका हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, ब्रिजिंग स्पीसीज के साथ। ठीक है, ब्रिजिंग स्पीसीज या ब्रिजिंग जाति बोल देते हैं इसको। तो जंगली जाति का क्रॉस ब्रिजिंग जाति के साथ हमने करवाया, तो इससे हमें क्या होगा भी, एक हाइब्रिड प्लांट या एक संकर पौधा प्राप्त होगा। अब इस संकर पौधे का फिर हम क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, कल्टीवेटेड स्पीसीज या जंगली सॉरी कृष्य जाति के साथ। और इससे हम लोग हाइब्रिड प्लांट या संकर पौधा प्राप्त कर लेंगे जो कि कैसा होगा, डिजायर्ड या वांछित होगा। ठीक है, जो हमें चाहिए होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस वाइल्ड स्पीसीज का, ये जो वाइल्ड स्पीसीज आपको दिख रही है, जंगली जाति आपको दिख रही है, इसका क्रॉस हम लोग इस कल्टीवेटेड स्पीसीज या कृष्य जाति के साथ डायरेक्ट क्रॉस नहीं करवा सकते या प्रत्यक्ष संकरण नहीं करवा सकते। इसीलिए हमने इस तीसरी जाति या थर्ड स्पीसीज जिसको ब्रिजिंग स्पीसीज या ब्रिजिंग जाति भी कहते हैं इसका उपयोग किया है। ठीक है, तो ये है भी ब्रिजिंग स्पीसीज टेक्निक। अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से भी समझेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। एक पहला एग्जाम्पल दिख रहा है एजिलॉप्स अम्बेलुलेटा। तो ये जो एजिलॉप्स अम्बेलुलेटा स्पीसीज है ये ट्रिटिकम की जातियों के मध्य है ना। ट्रिटिकम क्या है भाई, एक वंश है किसका, गेहूं का। तो ट्रिटिकम की जातियों के मध्य ब्रिजिंग जाति का काम करती है कौन, एजिलॉप्स अम्बेलुलेटा। किस प्रकार से करेगी वो हम लोग अभी देखेंगे। दूसरा आता है निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिन। तो ये जो निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिन जाति है ये निकोटियाना की जातियों के मध्य है ना। निकोटियाना किसका वंश है अभी, तंबाकू का वंश है। तो तंबाकू या निकोटियाना की जातियों के मध्य ब्रिजिंग जाति का काम करेगी या ब्रिजिंग स्पीसीज का काम करेगी कौन, निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिन। ठीक है, अब हम इस टेबल के अंदर देखते हैं अभी। यहाँ पे आपको ब्रिजिंग जाति को ध्यान में रखना है। सबसे पहले ब्रिजिंग स्पीसीज कौन सी दे रखी है, सबसे पहले एजिलॉप्स अम्बेलुलेटा जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है अभी, 14 है या 14 है। अब ये क्या करेगी, एक ब्रिजिंग जाति है किसके बीच में, जंगली जाति, और उस जंगली जाति का नाम क्या है अभी, ट्रिटिकम डाइकोकोइडीज। ट्रिटिकम डाइकोकोइडीज के अंदर क्रोमोजोम नंबर्स कितने हैं, 28 हैं, डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर है 28। तो वाइल्ड स्पीसीज ट्रिटिकम डाइकोकोइडीज और दूसरी कृष्य जाति कल्टीवेटेड स्पीसीज ट्रिटिकम स्टाइवम। तो इन दोनों जातियों के मध्य ये वाली जो एजिलॉप्स अम्बेलुलेटा स्पीसीज है ये एक ब्रिजिंग जाति या ब्रिजिंग स्पीसीज की तरह काम करती है। ठीक है, दूसरी कौन सी, अभी मैंने आपको बताया निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिन, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 24 हैं, 24 हैं। तो ये किसके बीच में ब्रिजिंग जाति का काम करती है, निकोटियाना रिपेंडा। ठीक है, निकोटियाना रिपेंडा क्या है अभी, एक वाइल्ड स्पीसीज है, जंगली जाति है जिसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितने हैं, 48 है या 48 है। तो इसका और दूसरा कल्टीवेटेड स्पीसीज या जंगली जाति कौन सी है, निकोटियाना टैबेकम। इसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी है, 48 है या 48 है। तो इसका मतलब ये वाली जो निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिन स्पीसीज है ये ब्रिजिंग जाति की तरह काम करती है किन दो जातियों के मध्य, निकोटियाना रिपेंडा और निकोटियाना टैबेकम के मध्य। ठीक है, तो ये है भी ब्रिजिंग स्पीसीज टेक्निक जो हमने देखी। उसके बाद लास्ट मेथड इसके अंदर आती है एलियन एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एलियन का मतलब होता है जंगली से। ठीक है, एलियन का मतलब यहाँ पे क्या है,
जंगली जाति से है या वाइल्ड स्पीसीज से है। एडिशन का मतलब होता है जुड़ाव या जुड़ना, है ना, या ऐड हो जाना। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है माइनस हो जाना, है ना, या कम हो जाना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी इस मेथड के अंदर या इस विधि के अंदर, जो फर्टाइल एम्फी डिप्लॉयड होता है या उर्वर एम्फी डिप्लॉयड होता है, उसका हम लोग प्रतीप क्रॉस करवाते हैं या बैक क्रॉस करवाते हैं। किसके साथ? कृष्य जाति के साथ करवाते हैं, कल्टिवेटेड स्पीसीज के साथ करवाते हैं। कितनी बार करवाते हैं? 2 से 3 बार करवाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, 2 से 3 बार ही फिर क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं या स्व क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। ऐसा करने पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज या संभावनाएं हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है अभी, एलियन एडिशन, यानी कि जो जंगली जाति है उसका जो गुणसूत्र है या क्रोमोसोम है वो ऐड हो जाए, वो जुड़ जाए, ठीक है, प्लस हो जाए। इसको क्या बोल देते हैं? एलियन एडिशन बोल देते हैं। तो दूरस्थ संकरण यानी वाइड हाइब्रिडाइजेशन, वैश्व परागण यानी सेल्फिंग, ठीक है। इन दोनों प्रक्रियाओं से एलियन जाति का, एलियन जाति यानी जंगली जाति, वाइल्ड स्पीसीज द्वारा कृष्य जाति में यानी कल्टीवेटेड स्पीसीज के अंदर 2 अतिरिक्त गुणसूत्र छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। 2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो अतिरिक्त रूप से यानी एडिशनली क्रोमोसोम्स को ऐड कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, किसके अंदर? कृष्य जाति के अंदर या कल्टीवेटेड स्पीसीज के अंदर। और ये क्या कहलाती है? एलियन एडिशन कहलाती है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको आगे उदाहरण से हम लोग देखेंगे। दूसरा है एलियन सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो एलियन स्पीसीज होगी या एलियन जाति होगी, जिसको हम लोग जंगली जाति भी बोलते हैं, उसके गुणसूत्र, उसके द्वारा जो कृष्य जाति के गुणसूत्र हैं उनको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और इसका मतलब क्या हो गया? कृष्य जाति के गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? कम होगी। और कम होना ही क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं अभी, दूरस्थ संकरण यानी वाइड हाइब्रिडाइजेशन व सेल्फिंग यानी स्व परागण से एलियन जाति के द्वारा यानी एलियन स्पीसीज जो है उसके द्वारा कृष्य जाति के यानी कि कल्टीवेटेड स्पीसीज के 2 क्रोमोसोम्स को या 2 गुणसूत्रों को 2 एलियन गुणसूत्रों के द्वारा यानी जंगली जाति के 2 गुणसूत्रों के द्वारा क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? एलियन सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे भी। उदाहरण के लिए तंबाकू में मोज़ेक रोधिता के गुण का स्थानांतरण। अगर हम टोबैको यानी तंबाकू का जो पौधा होता है निकोटियाना टैबेकम, उसमें मोज़ेक रोधिता का गुण स्थानांतरित करना चाहते हैं, ठीक है। तो मोज़ेक रोधिता, मोज़ेक क्या भी एक वायरस है, तो मोज़ेक रोधिता का जो गुण है वो किसमें होगा? जंगली जाति के अंदर होगा। और जंगली जाति का नाम क्या है? निकोटियाना ग्लूटिनोसा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो निकोटियाना ग्लूटिनोसा से मोज़ेक रोधिता का जो गुण है या लक्षण है, ये निकोटियाना टैबेकम के अंदर हमें स्थानांतरित करना है। तो इस स्थानांतरण के दौरान एलियन एडिशन व एलियन सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। किस प्रकार से देखने को मिलेगा ये हम लोग देखते हैं अभी। मान लीजिए एलियन एडिशन हो रहा है। एलियन एडिशन का मतलब क्या है? जो जंगली जाति है या एलियन जाति है उसका गुणसूत्र जुड़ रहा है, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2n = 48+2 हो जाएगी, ठीक है, 48+2। तो ये जो 2 गुणसूत्र या 2 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, ये कौन सी जाति के हैं? ये एलियन जाति यानी कि जंगली जाति के हैं, ठीक है। तो ये है एलियन एडिशन। और अगर एलियन सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, एलियन सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इसके अंदर क्या होगा अभी देखो, 2n = 48 - 2+2। अब यहाँ पे देखो, जो -2 हो रहे हैं, -2 किसके गुणसूत्र हो रहे हैं? 48 में से माइनस हो रहे हैं, तो 48 में से अगर -2 हो गए तो कितने रह गए? 46 रह गए। ये जो 48 गुणसूत्र थे ये किसके थे? ये थे कृष्य जाति के या कल्टीवेटेड स्पीसीज के। तो कल्टीवेटेड स्पीसीज के 2 गुणसूत्र कम हो रहे हैं, तो कितने रह गए? 46 रह गए। तो इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन या कम होना। तो एलियन के द्वारा यानी कि जंगली जाति के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या को कम कर दिया गया। तो कम कैसे करेगा ये? प्रतिस्थापित करके या रिप्लेस करके। तो 2 गुणसूत्र तो कम हो रहे हैं, प्लस 2 गुणसूत्र जुड़ रहे हैं। ये किसके गुणसूत्र जुड़ रहे हैं? जंगली जाति के खुद के गुणसूत्र जो हैं वो जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो गुणसूत्रों की संख्या वापस कितनी होगी? 46 + 2
48। तो गुणसूत्रों की संख्या तो उतनी ही रहती है, लेकिन यहाँ पर जो कृष्य जाति है या कल्टीवेटेड स्पीसीज है उसके गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं, एलियन सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अभी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पूर्व प्रजनन या प्री ब्रीडिंग। तो प्री ब्रीडिंग क्या होती है, अभी एक टर्म आती है अनानुकूलित पादप सामग्री, अनअडेप्टेड प्लांट मटेरियल। ठीक है, मान लीजिए एक प्लांट पॉपुलेशन है, पादप जाति है या पादप समष्टि है, उस प्लांट पॉपुलेशन में हम लोग वर्ण करना चाहते हैं या सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो हम लोग जब भी सिलेक्शन करते हैं या वर्ण करते हैं तो वो हमेशा किसका किया जाता है, सुपीरियर प्लांट्स का या उत्कृष्ट पौधों का वर्ण किया जाता है। और जो निकृष्ट पौधे होते हैं, यानी कि जो बढ़िया पौधे नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं या डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, और जिन पौधों को हमने छोड़ दिया है या डिस्कार्ड कर दिया है, यानी कि जिनका हमने वर्ण नहीं किया है, जिनका हमने सिलेक्शन नहीं किया है, वो क्या कहलाते हैं, अनअडेप्टेड प्लांट मटेरियल या अनानुकूलित पादप सामग्री कहलाती है। ठीक है, अब ये जो अनानुकूलित पादप सामग्री है या अनअडेप्टेड प्लांट मटेरियल है, इसमें भी कुछ जीन या कुछ लक्षण हमारे काम के होते हैं। ठीक है, अब उन जीनों की पहचान करना या उन लक्षणों की, ये जीन कैसे होंगे, भी वांछित होंगे, ये लक्षण जो है वो वांछित हैं या डिजायर्ड होंगे, तो इन कैरेक्टर्स या इन जीनों की पहचान करना या इनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आइडेंटिफाई हमने कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद जो प्लांट ब्रीडर होता है या पादप प्रजनक होता है उसके द्वारा, अब जो प्लांट ब्रीडर या पादप प्रजनक है वो डायरेक्ट प्लांट ब्रीडिंग में उपयोग नहीं किया जा सकता। ये जो वांछित लक्षण या जीन है या डिजायर्ड कैरेक्टर्स या जीन्स हैं, इनको प्लांट ब्रीडर के द्वारा डायरेक्ट प्लांट ब्रीडिंग के अंदर या प्रत्यक्ष पादप प्रजनन के अंदर इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो फिर प्लांट ब्रीडर क्या करता है, अभी ये जो वांछित लक्षण या जीन है इनको एक मिडल प्लांट मटेरियल या इसको मध्यवर्ती पादप सामग्री के अंदर इसको स्थानांतरित कर लेता है। पादप प्रजनक जो है इसको स्थानांतरित कर लेगा, ट्रांसफर कर लेगा, और फिर क्या करेगा, पादप प्रजनक के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, यानी प्लांट ब्रीडर जो है इसको यूज करेगा डायरेक्ट प्लांट ब्रीडिंग के अंदर या प्रत्यक्ष पादप प्रजनन के अंदर, ताकि फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए हम लोग ये जो है वो न्यू वेराइटीज या नई प्लांट वेराइटीज जो है, नई पादप किस्में जो हैं वो विकसित की जा सके। ठीक है, तो प्री ब्रीडिंग इसे कहते हैं। तो प्री ब्रीडिंग या पूर्व प्रजनन के द्वारा हम लोग अनअडेप्टेड पादप सामग्री या अनानुकूलित पादप सामग्री या प्लांट मटेरियल से वांछित या डिजायर्ड लक्षणों या जीनों को पहचान कर उनको प्रजनन के अंदर, ब्रीडिंग के अंदर यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ताकि हम लोग नई पादप किस्मों या न्यू प्लांट वेराइटीज को डेवलप कर सकें या विकसित कर सकें। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्व प्रजनन या प्री ब्रीडिंग। तो ये जो प्री ब्रीडिंग या पूर्व प्रजनन है, ये जंगली जातियों की, यानी कि जो वाइल्ड स्पीसीज होती हैं, उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है या अनुवंशिक विविधता है उसको लिंक करने के लिए आवश्यक होती है। किसके साथ, कृष्य जातियों के साथ, यानी कल्टीवेटेड स्पीसीज के साथ। तो प्री ब्रीडिंग जंगली जातियों की अनुवंशिक विविधता को कृष्य जातियों के साथ लिंक करती है या जोड़ने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा प्री ब्रीडिंग जो है वो जीव द्रव्य संरक्षण, यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो है उसको हम लोग इस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं उसके, और इसके पादप प्रजनन में उपयोग, यानी ये जो जीव द्रव्य हमने संरक्षित किया है या प्रोटोप्लाज्म हमने कंजर्व किया है, इसके प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम लोग इसका किस प्रकार से यूज करेंगे, किस प्रकार से इसका उपयोग करेंगे, उसके मध्य एक मेन लिंक है या मुख्य लिंक है। ठीक है, इसमें दो प्री ब्रीडिंग के अंदर दो जो पर्सन हैं या दो जो व्यक्ति हैं वो साथ साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, एक तो होता है जीव द्रव्य क्यूरेटर। जीव द्रव्य क्यूरेटर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्यूरेटर भी बोल देते हैं इसको, जो प्रोटोप्लाज्म
को संग्रहित कर रहा होगा, ठीक है, जो उसका मेन हेड होगा उसको जीवद्रव्य क्यूरेटर या प्रोटोप्लाज्म क्यूरेटर बोल देंगे, ठीक है। और दूसरा जो किस्म को विकसित कर रहा होगा या न्यू वैरायटी को डेवलप कर रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर, ठीक है। तो प्री ब्रीडिंग इन दोनों के सहयोग से या इन दोनों की हेल्प से ही संभव हो सकती है। तो ये क्या करते हैं, अभी जीव द्रव्य को एकत्रित करते हैं यानी प्रोटोप्लाज्म को ये कलेक्ट करेंगे और जो नए लक्षण होते हैं या न्यू करेक्टर्स होते हैं उनको न्यू वेराइटीज के अंदर या नई किस्मों के अंदर उनको ट्रांसफर करते हैं या स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब प्री ब्रीडिंग या पूर्व प्रजनन क्यों आवश्यक है, तो ये आवश्यक तब होता है जब वांछित जीन उपलब्ध होते हैं, जब जो डिजायर्ड जीन्स हैं यानी कि ऐसे जीन जो हमें चाहिए होते हैं जब वो हमें उपलब्ध होते हैं कहाँ पर, जीन बैंकों के अंदर यानी जीन बैंक्स के अंदर जो टारगेट वातावरण के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित नहीं है, है ना। यानी ऐसे जीन बैंक जिनमें जीन तो उपलब्ध है, वांछित जीन या डिजायर्ड जीन तो उपस्थित है, लेकिन वो उसका जो वातावरण है, इस जीन बैंक का जो एनवायरनमेंट है या वातावरण है वो इसके लिए अच्छी तरह से अडेप्टेड नहीं है, अनुकूलित नहीं है। तो इसका मतलब ये जो जीन है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकता है या नष्ट हो सकता है, तो हमें ऐसा नहीं होने देना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्री ब्रीडिंग या पूर्व प्रजनन करवाएंगे ताकि हम इन जीन बैंकों से जीनों को निकाल कर, ठीक है, और फिर उसका ब्रीडिंग के अंदर या प्रजनन के अंदर उपयोग कर सके। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है, अभी जो क्लोजली रिलेटेड वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं, निकटता से संबंधित जो जंगली संबंधियों से संबंधी होते हैं, उनमें जो फसली जातियों से आसानी से क्रॉसित होते हैं यानी जो क्रॉप स्पीसीज हैं या फसली जातियां हैं उनके जो क्लोजली रिलेटेड जंगली संबंधी हैं यानी निकटता से संबंधित जो वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं उनके, अगर उनमें वांछित जीन उपस्थित है, ठीक है, या डिजायर्ड जीन उपस्थित है और वो आसानी से क्रॉसित हो सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तब भी हमें प्री ब्रीडिंग या पूर्व प्रजनन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, अधिक दुरस्त जंगली जातियों में जो क्रॉस करने में अक्षम होते हैं, ठीक है, ये जो वांछित जीन या डिजायर्ड जीन है वो किसी ऐसी जंगली जाति के अंदर या किसी ऐसी वाइल्ड स्पीसीज के अंदर उपस्थित है जो बहुत ही दूर है, ठीक है। दूर होने का मतलब क्या है, अभी उनके इस जंगली जाति का कृष्य जाति के साथ क्रॉस नहीं करवाया जा सकता, ठीक है, जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है उसका वाइल्ड स्पीसीज के साथ क्रॉस नहीं करवा सकते हम लोग, तो ये क्रॉस करने में अक्षम होती हैं या इनेबल होती हैं। तो अगर ऐसी जंगली जाति के अंदर जो वांछित जीन है या डिजायर्ड जीन है वो उपस्थित है तब भी हमें प्री ब्रीडिंग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब प्रोसीजर या विधि की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर 5 मेन स्टेप्स आते हैं या 5 मुख्य चरण हैं। तो ये कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं अभी। सबसे पहला स्टेप इसमें आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डोनर प्लांट, यानी कि जो दाता पौधा होगा उसकी पहचान करना, यानी जिस पौधे के अंदर या जिस प्लांट के अंदर वांछित जीन या डिजायर्ड जीन उपस्थित है हम लोग क्या करेंगे, उसकी पहचान करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करवाएंगे, इस डोनर प्लांट का, ये जो दाता पौधा होगा इसका संकरण करवाएंगे या हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, किसके साथ, वेल अडेप्टेड कल्टीवर्स के साथ, जो पूरी तरह से अनुकूलित कल्टीवर्स होंगे या पौधे होंगे उनके साथ इसका संकरण या हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन करवा लिया, फिर उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे या गुणन करेंगे। तो गुणन करके हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के द्वारा डेवलपमेंट ऑफ लार्ज साइज प्री ब्रीडिंग पॉपुलेशन, हम एक बहुत बड़ी प्लांट पॉपुलेशन या पादप समष्टि हम लोग डेवलप कर लेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, प्री ब्रीडिंग पॉपुलेशन या पूर्व प्रजनन समष्टि बोलेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के द्वारा या गुणन के द्वारा हमने डेवलप कर ली। उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट करेंगे या परीक्षण करेंगे, है ना, इसको क्या बोल देते हैं, मूल्यांकन करना या इवैल्यूएशन करना। तो इवैल्यूएशन कहाँ पे किया जाता है, अलग अलग लोकेशंस पर किया जाता है, अलग अलग प्रकार के वातावरण में या एनवायरनमेंट में जाके हम लोग अलग अलग प्लॉट्स में उसका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। मूल्यांकन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अभी जो हमारी डिजायर्ड या वांछित
वंशक्रम होते हैं या प्रॉमिसिंग लाइन्स होती हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाता है या उनकी पहचान कर ली जाती है। ठीक है, तो ये पांच स्टेप्स हैं या फाइव स्टेप्स हैं या चरण हैं किसके, प्री ब्रीडिंग या पूर्व प्रजनन की। और प्री ब्रीडिंग के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।